आपका रिश्ता कैसा है? जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जीवन में आप कितने धनी हैं, कितनी उन्नति करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मनी से रिलेटेड या पैसे या धन से रिलेटेड आपकी जैसी सोच है, जैसी भावना है, वैसी ही वास्तविकता में आपकी परिस्थिति होती है। बात करने वाली हूँ आज आपसे कुछ लकी रिचुअल्स, मनी मैजिक स्पेल्स कह सकते हैं। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज बात कर रही हूँ आपसे ये कुछ अनूठी बात। जितने मैंने ये आप सबके कमेंट्स देखे हैं या मैसेजेस देखे हैं, अक्सर ये होता है कि ये जीवन में परेशानी है, कैसे निकले, मेरा करियर कैसे होगा, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या पैसे से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो एक सिंपल सी बात आई थी मन में, तो आपके साथ शेयर कर रही कि जब मनी की बात आती है या धन से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं तो पहली सोच आपकी कैसे होती है? क्या आप बोलते हैं या सोचते हैं जो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास रहता नहीं है, जो टिकता नहीं है, पता नहीं दूसरों के पास कैसा आता है? तो डिपेंडिंग कि आप क्या कहते हैं, मतलब वो सोच आपके अंदर में घर कर गई है। और अगर आप कह लें कि हाँ, क्योंकि वास्तविकता ऐसी है कि मनी से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम रहती है या पैसे टिकते नहीं हैं, जो आप बात भी अपने आप को नोटिस करिए क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि रियलिटी में क्या प्रॉब्लम है। जो खानदानी रईस होते हैं वो इसलिए रईस नहीं होते हैं कि एक पीढ़ी ने कमाया, दूसरी पीढ़ी उसको यूज कर रही है, पर वो बचपन से देखते हैं कि उनके पास है, तो वो ये सोच के नहीं चलते कि चलो संभाल के रखते हैं या यूज नहीं करना है, या महंगे जो ये क्रॉकरी है या डिशेज हैं, बर्तन हैं, यूज नहीं करना है, मेहमानों के लिए निकालें, या ये पैसे बचाए जाएं या सेविंग करें कि आगे जाके काम आएंगे बुरे वक्त में। जैसा आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा अलग होता है जो खानदानी रईस होते हैं, वो सोच भी होती है कि अरे तो हमेशा से था। वो पीढ़ी जो बढ़ती है कहती है हमेशा से था, तो सोच होती है कि बिजनेस करना है, बढ़ाना है। और अगर जीवन में परेशानी है एक दूसरे पीढ़ी में कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये सोच ही होती है, तो मन में घर कर जाता है, बचाओ ऐसे मत करो, कम पड़ जाएंगे या कैसे करना है। अब सही गलत की बात नहीं है, बात ये है आपकी सोच कैसी है, और वो सोच एक ब्लॉक क्रिएट करती है। मतलब एक तरीके का चश्मा पहना है आपने जिसमें कि सिर्फ वो हमेशा परिस्थिति उसी दृष्टिकोण से दिखती है जैसा चश्मा है, और आज आपको वो चश्मा हटाना पड़ेगा। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आई हैं, जितनी भी परेशानी है, मैं ये नहीं कहती कि वो हकीकत नहीं है या तकलीफ नहीं देता, पर अगर परिस्थिति से निकलना है तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। कहते हैं ना 100 स्टेप्स होते हैं सीढ़ी पार करने के लिए, आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे अगर आपका पैर फिसला वापस नीचे आते हैं। तो अक्सर जीवन में परेशानी आपने बहुत फेस करी है कि जब वो हालात सुधरने वाले होते हैं तब बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। अब मनी की प्रॉब्लम रियल है, उसको बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसा ब्लॉक है जो ब्लॉक क्रिएट करता है। अब मैजिक स्पेल की बात करूं, 3। तो जब कभी भी आप मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में या आप सोच रहे होते हैं, तो इमीडिएटली थिंक अबाउट एंड रियलाइज क्या सोच रहे हैं, उसको फ्लिप करिए कि नहीं ठीक है, हो जाएगा। और उसको कैसे करें, 2 पल के लिए अगर हैं आसपास, आपके पास थोड़ी सी स्पेस, आप शांति में बैठ सकते हैं, तो 2 पल के लिए आराम से आप बैठें एंड फोकस करें अपनी ब्रीदिंग पे। और जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें तो आप शांत हो जाएंगे, और जैसे आपकी, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशन बदलेंगे, और जैसे आपके पास मंथली सैलरी आती है या आप घर खर्च से कुछ पैसे बचाते हैं या बैंक में डालते हैं, कहूंगी एक्चुअल कैश जो आप हाथ में महसूस कर सकें। घर में एक छोटा सा बॉक्स रखें जिसमें चाहे आपने 1 रुपया महीने में बचाया हो, या 10 रुपये, या 50 रुपये, या लाखों, वो कुछ पैसा जो आपने निकाल के रखा है, मान लीजिए आपकी सैलरी आई, थोड़ा सा निकाली, चाहे फिर वो 1 रुपया ही निकालें, तो जो आप सेविंग के लिए हर महीने इस बॉक्स में सेव करेंगे, हर महीने आप ये ऐसी मुद्रा बनाएं। अब जब आपकी ऐसी मुद्रा होगी, आपने जिस बॉक्स में अपने पैसे रखे हैं, आपकी सैलरी से आए थे, बचे हुए हैं, आपने पहले निकाले, आपने थोड़ी सी सेविंग करी हर महीने में, उस
बॉक्स में आप किसी भी दिन, जब हर महीने में वो थोड़ी बचत की रकम आप डाल रहे हैं, शांत हो जाएं आप और अपने हाथ की ऐसी मुद्रा बनाएं, गरुड़ मुद्रा, कुबेर मुद्रा, एक्चुअली कुबेर मुद्रा ही कहूंगी मैं, पर मैं इसे मनी मुद्रा कहती हूं। आपने ऐसे करा, अब ये दोनों आपके सेंटर में भी आ सकते हैं और इस माउंट पे भी आ सकते हैं शुक्र के। अब आपने ऐसे करा तो आप जिस बॉक्स में डालते हैं ये पैसे बचत के, आप उसमें सॉल्ट होती है, जिंजर पाउडर या सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, चुटकी भर लें, बिल्कुल चुटकी। जब आपने उसमें पैसे डाले उस बॉक्स में, पहले आपने शांत होकर अपनी ब्रीदिंग को काम किया, अपनी सोच को आपको कि हाँ मनी ग्रोस, मेरे जीवन में धन आसानी से आता है, मेरे जीवन में उन्नति आसानी से आती है, परेशानी नहीं रहती, मेरे जीवन में पॉजिटिविटी है, मैं खानदानी रईस हूँ, ये थॉट ही, क्योंकि पैसे के साथ आपका जो रिश्ता है सोच का, उसे बदलना है, तब आपकी परिस्थिति बदलेगी। तो जब आपने कैश रखा, आपने काम, यू काम डाउन योरसेल्फ और आपने ऐसी मुद्रा बनाई। अब आप ये एक चुटकी भर या तो दालचीनी का पाउडर या जिंजर पाउडर, सॉल्ट जिसे कहते हैं, उसका पाउडर हल्का सा उस बॉक्स में मनी के ऊपर आप डालें, सिर्फ हल्का सा, और बंद कर दें। ये सोचें कि मनी ग्रोज हियर। आपको ये रीप्रोग्राम करना है माइंड को कि ये जो मनी है मेरे जीवन में, ये बढ़ता है, बढ़ेगा। ये एक रिचुअल है, आप हर महीने ये करेंगे, जब आपकी पहली तनख्वाह आई, या आपने ट्यूशन करते हैं या पढ़ाते हैं कहीं से भी, या कंसल्टिंग भी करते हैं, पहली इनकम महीने की या आपकी बचत की इनकम पे आप करें। दूसरी चीज, कोई भी एक आप जार ले लें, जैसे मेरे पास ये है, लिड रहे इसका, कोई भी एक शीशे की जार या प्लास्टिक का बॉक्स, कोई भी एक ऐसा जार ले लें जिसका लिड हो, और आप किसी भी दिन महीने के क्या करेंगे कि इसमें आप एक छोटा सा पेपर लें और उस पेपर पे अपना परेशानी लिखें, मनी से रिलेटेड जो भी हो आपके। आपने एक जार लिया किसी भी महीने में, किसी भी एक दिन महीने में, सिर्फ एक बार आपने उसमें एक पेपर पे अपनी पैसे से संबंधित जरूरत लिखी, आपको जो पैसे चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए। ना बी रियलिस्टिक, मैं ये लॉटरी विन करने की बात नहीं कर रही हूँ, आपको इस वक्त मनी से संबंधित जो जरूरत है या जॉब ऐसा चाहिए कि उसमें कितनी सैलरी हो, बी रियलिस्टिक, उस पेपर में लिखें, उस जार में डाल दें आप। जब आप जार में डालेंगे, इस पूरे प्रोसेस में ये बोलें कि माई लाइफ इज फिल्ड विद अबंडेंस, मेरा जीवन वैभवता से परिपूर्ण है, सब कुछ मेरे भरे के लिए होता है, माई लाइफ इज फुल विद अबंडेंस, एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई ओन गुड। और जब आप ऐसा सोचते हैं, जब आप ऐसा मन में बोलते हैं और आपने वो पेपर रखा जिसमें आपकी मनी से संबंधित जो जरूरत है आपने डाल दी, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक तेज पत्ता लीजिए, सिर्फ एक बेलीफ, उस पर आप अपना नाम लिखिए, लाल रंग से या हरे रंग से, और वो तेज पत्ता भी आप इसमें डाल देंगे, और एक सिक्का डाल दीजिए, कोई भी, 1 रुपए का या कोई भी, सिर्फ एक सिक्का डालना है। जार लिया, आपने पेपर पे अपनी मनी से संबंधित विश लिखी, आपने इंटेंशन करी, मन में बोलते रहिए कि माई लाइफ इज फिल्ड विद अबंडेंस, मेरा जीवन वैभवता से परिपूर्ण है, मेरे जीवन में सब मेरे भले के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई गुड। वो पेपर आपने इसमें डाला, एक तेज पत्ते पे अपना नाम लिखा लाल या हरे रंग से, वो तेज पत्ता डाला आपने, और एक सिक्का डाल दीजिए, और लिड बंद करके किसी ऐसी जगह घर में रख दीजिए आप, जहाँ पे आप देख सकें, पर हर व्यक्ति को दिखाने के लिए मत रखें। तो जब आप देखेंगे, आपके अंदर में वो बात घर कर जाएगी कि मेरा जीवन वैभवता से परिपूर्ण है, मेरे जीवन में सब मेरे भले के लिए होता है। और आपकी जब ये विश पूरी हो जाए, 1 हफ्ता लगे, 2 महीना लगे या 6 महीना लगे, आप देखेंगे चीज़ों में परिवर्तन आएगा। तो फिर आप ये पेपर निकालें जिसमें आपने अपनी पैसे संबंधित नीड लिखी थी, उस पेपर को घर के किसी भी पौधे या गमले में पेड़ के नीचे आप बरी कर दें, और ये तेज पत्ता आप जला दें। ना बी वेरी केयरफुल। मैं क्यों इसे मनी मैजिक स्पेल या रिचुअल बोलती हूँ, क्योंकि ये आपके माइंड को प्रोग्राम करता है, ये आपकी वाइब्रेशंस को इतना पॉजिटिव करता है कि आप खुद नोटिस करेंगे कि आप खर्च करने से पहले कहते हैं नहीं पैसे कम है, दूसरी थॉट आएगी बहुत है चलो। मोर यू थिंक रिच, मोर योर रिचेस विल ग्रो।
एंड आई होप यू एंजॉयिंग दिस कॉन्टेंट. तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अभी तीसरी टिप बाकी है. अब तीसरी टिप के लिए आप क्या करें, ये है जैसे ये ज्वेलरी बैग्स होते हैं या आपको मिल जाएंगे इजिली, ये नीले रंग का या हरे या लाल रंग का एक ऐसा पाउच लीजिए आप. आप क्या करेंगे, किसी भी दिन आप ये सुबह उठ के नहा के ऐसा पाउच लें. आपको ये 7 दिन तक करना है ये रिचुअल. आप क्या करेंगे, रोज़ाना मान लीजिए आज थर्सडे है, आपने सुबह नहा के ये पाउच लिया, पहले दिन आपने 7 सिक्के डाल दिए एक जैसे, 1 रुपये के 7 सिक्के. फिर दूसरे दिन आपने 5 रुपये के 7 सिक्के डाल दिए. तीसरे दिन आपने 10 रुपये के 7 नोट डाल दिए. कहने का ये तात्पर्य है कि आप ये मनी बैग जो बनाएंगे किसी भी दिन शुरू करें सुबह नहा के, लेकिन 7 दिन कंटिन्यूसली रोज 7 एक जैसे एक ही डिनोमिनेशन के मनी आपको डालना है. आपने एक दिन 1 रुपये के 7 सिक्के डाले, दूसरे दिन 50 रुपये के 7 नोट डाल सकते हैं, 1,000, 2,000 जो भी. 7वें दिन आप क्या करेंगे इसके ऊपर, अगेन द मनी मुद्रा दैट आई कॉल, जब आप ऐसे करेंगे लेवेंडर पाउडर आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप चुटकी भर ले 7वें दिन इसमें डालें. जैसे ही आपने वो नोट या पैसे डाले, लेवेंडर पाउडर डालें आप इसमें और इसको बंद करके आप अपने कैश बॉक्स में छोड़ दें, जहाँ पे आप ज्वेलरी रखते हैं या ये जो सेविंग बॉक्स मैंने आपसे अभी कहा कि हर महीने आप ये सिनेमन स्प्रिंकल करें उसमें भी डाल सकते हैं. अब कंडीशन ये है, ये बैग नीला हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, लाल हो सकता है और किसी कलर का नहीं. अब अगर सी थ्रू हो तो आपको दिखेगा, क्योंकि विजिबिलिटी आपको कनेक्ट करती है ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशंस में. अब हैं सिंपल रिचुअल बट आई कॉल देम मनी मैजिक स्पेल्स क्योंकि इट वर्क्स. चाहूँगी कि आप कमेंट्स में बताएं मुझे कि आपने कुछ हफ्तों तक किया, आपको अपनी सोच में परिवर्तन देखा, क्योंकि रिश्ता आपको पैसों के साथ अपना बदलना है. जब आपके रिश्ते में वो नेचुरली ये बात आ जाएगी कि आसानी से आता है, बहुत है, ईश्वर ने दिया है, बी ग्रेटफुल, तो वो मनी भी आपकी तरफ आसानी से खिंचा हुआ चला आएगा. आपको ब्लॉक्स रिमूव करने हैं और वो जैसे जैसे ब्लॉक्स रिमूव होते हैं आपकी रियलिटी चेंज होती है. आई रियली होप यू एंजॉयड. डोंट फॉरगेट टू स्टे विद मी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस.